हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पास्ता। पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा साइज का पतीला ले लिया है। अब उसमें मैं डाली हूँ पानी, नॉर्मल पानी है, ठंडा गर्म कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है, आधा लीटर ये करीबन पानी है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं नमक, तो यहाँ पे हाफ टेबल स्पून पहले नमक डाल देंगे। पास्ता उबालते टाइम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, उससे पास्ता बहुत अच्छा बनेगा। इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून हम रिफाइंड ऑयल, इससे पास्ता बिल्कुल एक एक बनेगा, चिपकेगा नहीं। अब हमें इसे बंद कर देना है एक ढक्कन से और 5 मिनट तक इसे अच्छे से उबाल आने देना है। फ्लेम इस टाइम आपको हाई रखनी है ताकि पानी अच्छे से उबल जाए। तो आप देख सकते हैं पानी हमारा उबलने लगा है। अब हम इसमें पास्ता डाल देते हैं। अब हमें इसे उबलने देना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, इसका साइज थोड़ा बड़ा ना हो जाए। तो हम मीडियम फ्लेम कर लेंगे, थोड़ा चलाने के बाद इसे ढक कर रख दे दें। बाद में हम चेक कर लेंगे। तो 10 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं पास्ता। तो देख सकते हैं आप इसका साइज थोड़ा अभी बड़ा हो गया है, लेकिन ये अभी भी थोड़ा सा कच्चा है। इसे 2 मिनट हम और पकने देंगे ऐसे ही। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आता है, इस तरीके से झाग आते हैं। तो आप प्लेट को खोल कर इसे उबालें, वरना ये पानी नीचे आ जाएगा। इसीलिए अब इसे हम 2 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। आप देख सकते हैं ऐसे आधा ढक्कन लगा रहा, तो ये बिल्कुल भी झाग नीचे नहीं आया। तो अब हम पास्ता चेक कर लेते हैं। तो हमारा पास्ता अच्छे से पक गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और ठंडे पानी से एक बार धो लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पास्ता बनाने के लिए एक बड़े साइज की कढ़ाई ले ली है। उसमें डाल देंगे पहले हम रिफाइंड ऑयल। आप अपने हिसाब का रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 चम्मच डाल रही हूँ, छोटे चम्मच से मैंने यहाँ 5 चम्मच डाल दिया। कढ़ाई में अच्छे से चारों तरफ घुमा के डालेंगे ताकि पास्ता लगे नहीं। अब हम इसमें डाल देते हैं राई, क्योंकि तेल हमारा हल्का गर्म हो गया है। आप इसे जीरा से भी बघार सकते हैं। राई के बाद हम यहाँ ऐड कर देते हैं प्याज, क्योंकि राई हमारी अच्छे से चटक गई है। तो अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज लंबा कट कर लिया है, ऐसे रफली थोड़ा चला देंगे। इसे हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। तो इसका कलर आप देख सकते हैं हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें बाकी हमारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ हरी मिर्च डाल देते हैं। मैंने यहाँ 2 हरी मिर्च को लंबा कट कर लिया है। हरी मिर्च के बाद हम यहाँ ऐड करें हल्दी पाउडर, तो ये 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है। हल्दी पाउडर के बाद इसमें टमाटर डाल देते हैं। टमाटर मैंने 1 डाला है यहाँ पे, उसे बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया है, थोड़ा चला देते हैं। आप यहाँ पर चाहें, अगर आपके पास शिमला मिर्च हो तो आप यहाँ पे शिमला मिर्च भी ऐड कर सकती हैं। टमाटर के तुरंत बाद हम यहाँ ऐड कर देते हैं नमक। तो नमक हम यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उबालते टाइम भी हमने थोड़ा सा नमक डाला था। इसीलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नमक आप यहाँ पे कम डालें, वरना पास्ता में नमक ज्यादा हो जाएगा। तो अब हमें टमाटर को अच्छे से मैश करते हुए पकने देना है ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है पास्ता। तो इसे हल्का सा मैश कर लेंगे टमाटर को। तो टमाटर हमारे अच्छे से आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छे से ये मैश हो गए। तो अब हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे लास्ट में पास्ता। तो पास्ता मैंने एक बार ठंडे पानी से धो लिया था, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक एक है। पास्ता डालने के बाद अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आप चाहें तो यहाँ पे गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल पास्ता बना रही हूँ, ये भी खाने में बहुत टेस्टी बनता है। तो अब इसे फैला देंगे और ढक देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। जितना भी ये आधा अगर कच्चा होगा तो अच्छे से पक जाएगा, मसाले भी अंदर अच्छे से मिल जाएंगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो अब देख सकते हैं पास्ता हमारा बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा चला लेते हैं पास्ता को।
मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही अच्छे से पकने दिया है। तो हमारा पास्ता बनकर रेडी है। अब हम इसमें लास्ट में डाल देते हैं धनिया। तो मैं यहाँ पे चॉप किया हुआ हरा धनिया ऊपर से डाल रही हूँ। हरे धनिया से और भी बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। मिक्स कर देते हैं। हमारा पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। गैस ऑफ कर लेते हैं और इसे अब हम सर्व करते हैं। तो गरम गरम पास्ता हमारा बनकर तैयार है। दिख रहा है ना, बहुत ही माउथ वाटरिंग, बहुत ही टेस्टी बना है और बिल्कुल भी मसाले नहीं बने। आप इस तरीके का एक बस सिंपल पास्ता बनाकर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ऊपर से गार्निश कर देते हैं थोड़ा सा धनिया से। तो आप भी एक बार इस तरीके से पास्ता जरूर बनाएं। सिंपल है बिल्कुल और ज़्यादा मसाले भी नहीं चाहिए इसे बनाने के लिए, और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल एक एक पास्ता बना है, बहुत ही माउथ वाटरिंग है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स, बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल में टर्न कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज की वीडियोस तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए गुड बाय।